ये ले बूम बम पट से आईडी मैन क्या करूं। अब अगर तुम लोग भी चाहते हो कि इसकी तरह तुम्हारी आईडी बैन ना हो या फिर तुम्हारी बीजेएमआई की आईडी इसकी तरह ही बैन हो चुकी है बिना कुछ करे ही, मतलब तुम्हारी कोई गलती ही नहीं थी, तो मिस वीडियो को मेक श्योर एंड तक देखना। अगर तुम्हारी आईडी बैन हो चुकी है तो उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा, और अगर नहीं हुई है तो भाई उससे बचना कैसे है वो भी बताऊंगा। तो ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, लेट्स बिगिन। तो और मेरे गेमर्स, हाल चाल तो खराब ही है भाई, लोगों की आइडिया बैन हो रही है। पहले बात करते हैं भाई, सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ। तो देखो, बीजेएमआई में ना 3.4 का जब अपडेट आया था, उसके बाद एक 3.5 MB का एक और छोटा सा अपडेट आया। जिन लोगों ने भी उसको किया, उनका आईडी, मतलब वो जो 3.45 का जो एमबी का जो अपडेट दिया था, वो दिया था ताकि चीटर्स, सर्वर चीटर्स जो हैं वो बैन हो, ठीक है, जो गलत तरीके से गेम को खेलते हैं या कुछ भी ऐसा यूज़ करते हैं। लेकिन हुआ क्या, नॉर्मल लोगों की आईडीज बैन होना शुरू हो गई। पहली बात, अब इससे बचना कैसे है, अगर तुम्हारा बैन नहीं हुआ है इससे बचना कैसे है वो बताता हूँ। देखो, सिंपल कुछ कुछ तुम्हें प्रिकॉशंस लेके चलना पड़ेगा। पहला, बार बार अपनी आईडी को लॉग आउट लॉग इन नहीं करना है, समझे। और दूसरा, रिपेयर वगैरह भी नहीं करना है, ठीक है। और तीसरा ये है कि तुम्हें ये चीज़ का ध्यान देना है कि तुम कभी भी जब गेम खेल रहे हो और गेम खेलने के बाद तुम टपक गए, उसके बाद कभी भी एक्सपेक्टेड मत रखना कि भाई देखते हैं मेरा टीममेट कैसा खेल रहा है, बीजेएमआई तुम्हारे साथ खेल जाएगा, तुम्हारी आईडी बैन हो जाएगी, ठीक है। और एग्जांपल के लिए मान के चलो कि तुम्हारे सामने से पॉप आउट आ गया कि 3.5 MB का जो अपडेट है उसको अपडेट करो, तो गलती से भी अपडेट मत करना ग्लेशियर वाले बाबू, जो तुमने अपने आईडी में जो पैसा फूका है ना, कि याक थू लगाओ, पैसे पे थूक भर के पैसा लगाओ गेम में, भैया भर के पैसा लगाओ गेम में। ग्लेशियर की आईडी है महंगी, 50-60 1-1 करोड़ के लोगों की आईडीज होती हैं, तो गलती से उस अपडेट पे क्लिक मत कर देना, नहीं तो फिर 1-2 का 4 10 साल का बैन, टन वाट लग जाएगी। और एक और चीज़ है कि जितने भी लो एंड वेस्ट प्लेयर्स हैं ना, जो 30 FPS 40 FPS में खेलते हैं, उनकी आईडी ज़्यादा बैन हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर वो लोग ही कमेंट कर रहे थे कि भाई मेरी आईडी बैन हो रही है, स्पेशली बीजेएमआई की। तो उनका क्या करना है, उन्हें क्या करना चाहिए। अब इससे पहले मैं तुम लोग को ये बताऊँ कि कैसे तुम सोल्यूशन निकालोगे, कैसे तुम्हारी आईडी अनबैन होगी, ठीक है, अगर तुम्हारी बैन हो गई तो उसको तुम्हें कैसे अनबैन करना है वो भी बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम लोग के लिए एक प्रोडक्ट लेकर आया हूँ। आज का प्रोडक्ट ऑफ द डे का प्रोडक्ट है स्माइली स्पंज बॉल। देखो, अगर इतना ज़्यादा जो गुस्सा, इतना ज़्यादा जो स्ट्रेस जो तुम्हें आ रहा है ना, उसको कहीं ना कहीं दबा के निकालना तो पड़ेगा ना, गंदे आदमी वैसा दबाना नहीं, मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेस बॉल की, ठीक है, जिससे तुम्हारा स्ट्रेस निकले, ठीक है, ऐसे ऐसे दबाओ स्ट्रेस निकालो, मैं भी लेने वाला हूँ कुछ दिन में। तो स्माइली बॉल से, ठीक है, 200 रुपये का कुछ 6 आएंगे, दबाओ दो हाथ से, दो पैर से, और स्माइली बॉल दबाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, जाओ डिस्क्रिप्शन में दे लिंक से जाकर ऑर्डर करो, तुम्हें थोड़ा बहुत सस्ता पड़ेगा। अब बात करते हैं इसको सोल्यूशन क्या है, ठीक है, क्योंकि लो एंड डिवाइस प्लेयर्स भी खेलते हैं ज़्यादातर, चाहे वो एंड्रॉयड हो या आईओएस हो, आईओएस यानी आईफोन्स में कम हो रहा है लेकिन एंड्रॉयड में ज़्यादा हो रहा है, जिसके FPS कम है, जिन जो लोग लो एंड डिवाइस प्लेयर्स हैं। देखो, एकदम सिंपल सी बात है, तुम्हें करना क्या है यहाँ पे बचने के लिए, गेम को मत खेलो। हाँ, तुम लोगों को लगेगा कि क्या बोल रहा है येड़े, हाँ गेम को मत खेलो, मैं खुद नहीं खेल रहा, अभी जो तुम ये गेम प्ले चलते हो देख रहे हो ना, ये पबजी का है। थोड़े दिन के लिए तुम्हारी आईडी को आराम दो, पबजी इंस्टॉल करो, उसको खेलो। नहीं, मैं बीजेएमआई को हेट नहीं दे रहा, जब तक ये प्रॉब्लम फिक्स ना हो जाए, जब तक ये चीज़ें ठीक ना हो जाए, तब तक अपनी आईडी मत खोलो। अगर तुम्हें तुम्हारी आईडी प्यारी है तो, क्योंकि मुझे मेरी आईडी थोड़ी सी प्यारी है, भले महंगी तो नहीं है मेरी आईडी लेकिन प्यारी ज़रूर है, तो इसलिए खोलना मत, यही बेस्ट तरीका है। अब जिनका बैन हो गया है आईडी, उनको क्या करना है कि भाई मेरा 10 साल का बैन लग गया, मैं क्या करूं, कैसे बचूं, कैसे इसको ठीक करेंगे, ये भी बताता हूं। तो तुम्हें ये करना है कि तुम पहले बीजेएमआई के ऑफिशियल डिस्कॉर्ड सर्वर पे जाओ, वहां पर चैट सपोर्ट होता है, ठीक है, वहां पर अपनी आईडी दो, ठीक है, सपोर्ट सिस्टम होता है, वहां पर अपनी आईडी दो और बोलो कि मैंने कुछ नहीं किया था, बिना बोले ही मेरी, मतलब मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, अपने आप हो गया, इसको ठीक कर दो आप। तो चांसेस हैं कि वो करेंगे ऐसा, लेकिन इस चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, मे बी कुछ दिन या फिर महीने या फिर कभी हो ही ना, क्योंकि इतने सारे लोग भेज रहे हैं अभी। तो यही है, यही हो रखी हालत बीजेएमआई की। और मैं सारे क्रिएटर्स, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं और जितने भी लोग क्रिएटर्स हैं जो यूट्यूब बनाते हैं, यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाते हैं मेरी तरह ही, उन सबको एक चीज़ कहूँगा, भाई
रेटिंग गिराओ इस ऐप की, समझाओ इनको, इसमें पैसा लगाओ मत इस गेम में। पहली बात तो इस गेम में पैसा लगा ही क्यों रहे हो? मैंने खुद एक बार रॉयल पास ले लिया था, तब से मैं ले नहीं रहा हूँ। इस गेम में ना पैसा लगाओ ना इस गेम में अपना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो, ठीक है, क्योंकि ये गेम खेलने लायक बचा ही नहीं है। और मैं तो कहता हूँ भाई, मेरे को तो लगता नहीं, अगर ये सब चीज़ें अगर ठीक नहीं होती है ना, तो फिर भाई पबजी में ही शिफ्ट होना पड़ जाएगा, यही सोल्यूशन है। खैर, ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही है। मैंने कुछ दिन पहले ही ये फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लिया था कि भाई बीजीएमआई में ऐसी दिक्कतें आएंगी, और एक्सप्लेन भी किया था कि कैसे पबजी मोबाइल जो है वो बीजीएमआई से फार बहुत ज़्यादा बेटर है, और कैसे बेटर है। और तुम अगर पबजी पे शिफ्ट होने का सोच रहे हो तो पबजी की कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ें जो तुम्हें नहीं पता होगा, तो उसको भी तुम्हें ज़रूर जानना चाहिए। जिस वीडियो का लिंक यहाँ पर आ रहा है, क्लिक करो और अभी देखो।